भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी पहुंचे। सलापड़ से लेकर मंडी तक जगह जगह जेपी नड्डा का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। नड्डा और सीएम जयराम ठाकुर खुली कार में सवार होकर रोड शो करते हुए मंडी तक आए। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर अपने संबोधन में नड्डा ने कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी उन्हें सौंपी है वह उसका खूब निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग और समर्थन से आज भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। भाजपा ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। जहां भाजपा के पास 11 करोड़ सदस्य थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 17 करोड़ पहुंच गई है। और जो आदरणीय शांता जी ने कहा, अमित जी ने कहा है, पार्टी ने अपना उत्कृष्ट देखना बाकी है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सबकी सहायता से, आप सबकी तप से, आप सबकी मेहनत से पार्टी को उत्कृष्ट स्थान पर लाकर खड़ा करेंगे। इस बात का हम बताना चाहते हैं। मैं शांता जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उत्कृष्ट बना करके छोड़ेंगे और उसके लिए हम काम करेंगे, ये हम आपको बताना चाहते हैं। नड्डा ने कहा कि देश में 1300 राजनीतिक दल हैं। 56 राजनीतिक दलों को प्रादेशिक स्तर पर मान्यता मिली है, जबकि 7 ऐसे दल हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इन सभी दलों में केवल भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि बाकी सभी दलों में परिवारवाद से ही पार्टियां चलती हैं। दुनिया में, देश में 1300 राजनीतिक दल हैं, 56 राजनीतिक दल जिनको इलेक्शन कमीशन ने प्रादेशिक स्तर पर मान्यता दी है, और 7 ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता चुनाव आयोग ने दी है, इलेक्शन कमीशन ने। आपको जानकर के हर्ष होगा कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो सभी पार्टियां वंशवाद से, प्रादेशिक स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर वंशवाद की पार्टियां हैं। अगर अकेली पार्टी कार्यकर्ता की पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसको समझना। इस मौके पर जेपी नड्डा ने अपने पुराने दिनों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि मंडी शहर की कोई दीवार ऐसी नहीं होगी जिसे वे अच्छी तरह जानते ना हो। छात्र राजनीति के समय में उन्होंने मंडी शहर की दीवारों पर दीवार लेखन का काम किया और कई नेताओं की यहां जनसभाएं करवाई। उन्होंने कहा कि आज 2 दिनों के समय के भीतर उनके कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता आ गए, जबकि उन दिनों भीड़ जुटाना किसी चुनौती से कम नहीं होता था। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम शांता कुमार, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती, संगठन मंत्री पवन राणा, सांसद विधायक और पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मैं अपने बारे में याद कर रहा था, मैंने कहा मंडी मेरे लिए नई नहीं है। आप लोग शायद मंडी की दीवारों को मुझसे ज्यादा नहीं जानते होंगे, मैं इन मंडी की दीवारों को ज्यादा जानता हूं, क्योंकि यहां कोई ऐसी दीवार नहीं है जिस पर मैंने दीवार लेखन नहीं किया। मुझे याद आ रहा था, बैठे बैठे पाल पेंटर्स की बात कर रहे थे, मेरा दोस्त, हम सब लोग आया करते थे, यहां काम किया करते थे, जल्दी होती थी, ब्यास में स्नान करके बस अड्डे चले जाते थे और कुल्लू के लिए बस पकड़ते थे। लेकिन हम जैसे लोगों को जो इस साधारण बैकग्राउंड से आए, उनको भारतीय जनता पार्टी में, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिली है, ये भारतीय जनता पार्टी की बात है। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।